हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ रूपाली। और इस समय फ्रेंड सुबह का 11:30 टाइम हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। और आज एक गुड न्यूज़ है, आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी है, वो घर पर है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी और मकाई के आटे की पूरी बनाऊँगी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं उनके लिए बनाऊँगी। और अभी सुबह का सारा काम हो चुका है और आज मैंने बच्चों को टिफिन में दिए थे, लंच बॉक्स में उनको पनीर के सैंडविच। तो आप मेरा वीडियो काफ़ी पहले, पुराना वीडियो चेक कीजिएगा जाकर, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी पहले सैंडविच की रेसिपी दे रखी है। सैंडविच मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है और काफ़ी पहले मैंने दिखाया था, इसलिए मैंने सैंडविच की रेसिपी आप सबके साथ नहीं शेयर करी। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड छोटी बेटी को स्कूल लेने गए हुए हैं। वैसे तो मुझे सारा काम फिनिश करके अपनी छोटी बेटी को स्कूल लेने जाना पड़ता है, बड़ी वाली बेटी खुद ही आ जाती है और वो काफ़ी बड़ी है, समझदार है, पर छोटी बेटी को लेने जाना पड़ता है। तो आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरे हस्बैंड लेने गए हैं और उन्होंने ऑफिस की छुट्टी कर रखी है मेरे लिए। और एनिवर्सरी है तो आज हम जाएंगे कहीं मंदिर, और यहीं पास ही में सलामपुर पड़ता है और वहाँ पर बालाजी मंदिर है, तो हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे। पर बच्चों को नहीं ले जाएंगे क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं और रिनी जाएगी। और उस मंदिर का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर दे रखा है, बालाजी मंदिर का वीडियो। तो देखती हूँ, अगर मुझे जैसा भी टाइम मिलेगा मैं बालाजी मंदिर का वीडियो बनाऊँगी, और अगर नहीं टाइम मिलता है तो नहीं बना पाऊँगी। और शाम को हम लोग डिनर पे जाएंगे कहीं, मेरे हस्बैंड ले जाएंगे शाम को डिनर पे, वहाँ पे हम केक काटेंगे। और अभी मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मकाई के आटे की पूरी बनाती हूँ, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड दिखाती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं विकास यादव, सोनम शर्मा, प्रिया अग्निहोत्री और प्रियंका यादव और प्रवीण यादव, तो ये सब मेरे चैनल पर कमेंट्स करते हैं। तो इन सबको थैंक यू सो मच, आप सबको मेरे चैनल पर कमेंट्स करने के लिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप सब कमेंट्स करते हैं। तो बस इन सब से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, ये सब मेरे वीडियो पे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए बनाते हैं फटाफट आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए टमाटर कट करके रख लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर कट कर लिया है और मटर छील के मैंने रख ली है और धनिया और मिर्ची भी कट करके रख ली है यहाँ पर। और सुबह मैंने सैंडविच बनाया था तो ये कढ़ाई खाली हो चुकी है, तो थोड़ा सा पनीर इसमें लगा हुआ है, इसी में मैं सब्ज़ी बनाऊंगी सोच रही हूँ। और आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, यहाँ पर मैंने बॉईल करके आलू रख लिए हैं। मैं इनको जल्दी से छीलूँगी और थोड़े से आलू मैं मकाई के आटे में डालूँगी और थोड़े से आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, ग्रेवी वाली, मटर आलू वाली, बिल्कुल सिंपल, कोई मसाला नहीं, कोई लहसुन प्याज नहीं, बिल्कुल हींग जीरे का तड़का और सिंपल सी सब्ज़ी और चटपटी सी मकाई के आटे की पूरी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो यहाँ पर सब अभी चाय पीकर और नाश्ता करके गए हैं, तो सबके कप और ग्लास आप देख सकते हैं, थोड़े से चाय के बर्तन हो गए हैं। तो इसको मैं क्लीन करूँगी अभी जल्दी से, और चलिए जल्दी से ये आलू छीलूँगी फटाफट। यहाँ पे फ्रेंड मैंने मकाई का आटा ले लिया है और ये वो मकाई का आटा है जो मम्मी लाई हुई थी, तो आज मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये खिचड़ी पर मम्मी मकाई का और बाजरे का आटा लाई थी मेरे लिए, मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो पर। और आज मैं इसकी पूरियाँ बनाऊँगी आलू मिक्स करके। तो अभी मैंने इसमें अजवाइन, नमक, हींग और ये लाल मिर्ची डाल दी है हल्की सी, आप देख सकते हैं। और ये मैंने हरी धनिया, हरी मिर्ची डाल दी है इसमें। और ये जो बॉईल करा हुआ आलू है, ये मैं इसमें तीन आलू, करीब तीन या चार आलू डाल दूंगी इसमें, आप देख सकते हैं।
और इसको बिल्कुल गर्म पानी से आटे को गूंदना है, क्योंकि मकाई का आटा दरदरा सा होता है, काफ़ी मोटा होता है। और अगर आप बिल्कुल गर्म पानी से गूंदेंगे इसे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए हमेशा मकाई के आटे को गर्म पानी से ही गूंदिए। और ये देखिए, इधर रिनी स्कूल से आ गई है और मेरे हस्बैंड उसे स्कूल से लेके आ गए हैं। अब मैं जल्दी से दोपहर का लंच बनाकर इन लोग को दे दूँगी, तो बस गर्मा गर्म पूरी बनाऊंगी और इन लोग को दे दूंगी, जल्दी से ये लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं मकाई का आटा गूंद रही हूँ, और इसी तरह गर्म पानी से आप गूंदेंगे ना तो बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा गूंद के तैयार कर दिया है और बहुत जल्दी से ये पूरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। बहुत टेस्टी बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ज़ीरा डाल दिया है, और ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। और बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, पर ये सिंपल सी सब्ज़ी देखने में तो सिंपल लगती है पर खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। और मेरे हस्बैंड को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल भी आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद है, पर मैं खा लेती हूँ, चल जाता है। और बस, तो आज है एनिवर्सरी तो हस्बैंड की पसंद का ध्यान रखना तो बनता ही है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसमें मटर, टमाटर, आलू सब एक साथ डाल दिया है और सारे मसाले मैं डाल दूँगी। इसमें मैं डालूँगी धनिया, रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, तो सब चीज़ मैंने डालकर खूब अच्छे से इसको भून लूँगी। और खूब जब ये भून जाएगा, टमाटर गल जाएगा, तब मैं इसमें ग्रेवी लगा दूँगी, पानी डाल दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है और इस पर मैं पूरियाँ तलूंगी, और इधर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने आ गए हैं। और इस तरह से मैं कुछ भी किचन में कुकिंग करती हूँ, और जिस दिन वो घर पे रहते हैं तो वो बार बार किचन में देखने आते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये देखिए, तो सुबह मैंने सैंडविच बनाया था, तो वो ब्रेड का जो वो होता है ना पैकेट, तो वो मैंने पॉलीथीन काट ली है। ये ब्रेड का जो पैकेट था वो पॉलीथीन है ये, तो इसे मैंने चौकोर काट लिया था बिल्कुल, ये देखिए। तो यही फ़ायदा है, सैंडविच भी मेरे बन गए और इसकी पॉलीथीन भी काम आ गई है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे पॉलीथीन में ऑयल लगाकर मकाई के आटे को मैंने रख दिया है। अब मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल दूँगी और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बिल्कुल गोल और एकदम पतली पतली पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, बिल्कुल पतली पूरियाँ बन के तैयार होती है, बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। और ये आलू और मटर की सब्ज़ी के साथ तो बहुत यम्मी लगती है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी, तो यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, और मेरे हस्बैंड ने धनिया पत्ती कट करके सब्ज़ी में डाल दिया है और एक साइड में पूरी तल रही हूँ। तो बस इसी तरह हम दोनों मिलकर आज कुकिंग कर रहे हैं और अपना टाइम एक साथ बिता रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। तो बस इसी तरह हमने अपना एनिवर्सरी मना लिया। और बस कुछ बच्चों के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बेटी के टेस्ट चल रहे हैं तो इसलिए हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते। तो बस छोटा सा ही हमने ऐसे ही मना लिया, और बस अभी मैं लंच करवा दूंगी दोपहर का, और मैं भी कर लूंगी, और इसके बाद हम बालाजी मंदिर जाएंगे। तो बालाजी मंदिर का वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बालाजी मंदिर का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, और ये सलामपुर में पड़ता है, मेरे घर के पास पड़ता है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। और वहाँ जाने का एक मतलब ये भी है कि वो मंदिर में जाकर बहुत शांति और सुकून मिलता है, बहुत वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी जगह भी है। और आपको मैंने शेयर भी किया है अपने वीडियो पर, आप जाकर देख सकते हैं वो मंदिर। और दो बार मैं वो मंदिर गई थी, एक बार शायद कार्तिक पूर्णिमा में गई थी, कत्की वाले दिन शायद मैं गई थी, तो आप जाकर चेक कीजिएगा वहाँ पर और देखिएगा, वो मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे दर्शन करने, और शाम को हम जाएंगे बाहर, वहाँ केक कट करेंगे। हम लोग ने प्लान बनाया है कि बाहर केक कट करेंगे और शाम का डिनर हम बाहर ही करेंगे। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, मैंने उनकी प्लेट लगा दी है। कैसी लग रही है? बहुत टेस्टी। हम्म,
हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई मकाई के आटे की पूरी और आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और अब मैं लंच करने जा रही हूँ और इसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने रिया के लिए पूरियाँ बना कर रख दी हैं ताकि वो स्कूल से आएगी तो खा लेगी। तो ये देखिए बहुत कुरकुरी बनी है और बस रिया के लिए बना कर रख दी है। और ये देखिए बस एक और बनाऊंगी मैं, एक रह गई है बनाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स आप ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जुगल पैलेस पड़ता है, और ये पड़ता है श्याम नगर या कृष्णा नगर या पीएसी मोड़ के आसपास जुगल पैलेस पड़ता है। तो आप सब जानते होंगे जुगल पैलेस, और सिनेमा हॉल है उसका नाम है जुगल पैलेस। तो जस्ट उसके बगल में पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में ये रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल नया खुला हुआ है, ये बहुत अच्छा है और यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और क्योंकि ये न्यू खुला हुआ है तो इसलिए आज हम यहाँ का एक्सपीरियंस लेने आए हैं कि देखें ज़रा कैसा है। पर आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ सब कुछ है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना मिले। तो ये देखिए यहाँ पर बताशे, पानी पूरी, टिक्की, भेलपूरी, चाट, सब कुछ है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर वेज भी है, नॉन वेज भी है। तो मैंने पूरा रेस्टोरेंट आपको दिखाया है और सारी चीज़ें होने के बावजूद खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हर चीज़ यहाँ की बहुत टेस्टी है और उसके बाद ये बना भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए तो एकदम ऐसा लगता है कहीं हम बाहर आ गए हैं और ये लग ही नहीं रहा है कि हम कानपुर में आए हुए हैं। और ये बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और मैं नेक्स्ट बार भी आना चाहूँगी यहाँ पर। ये बहुत अच्छा लगा और आप अगर कानपुर में हो तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ पर चल रही थी बर्थडे पार्टी काफ़ी लोगों की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। और ये काउंटर जो है यहाँ पर बनती है हर तरह की सॉफ्ट ड्रिंक, तो आप यहाँ पर आकर ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ड्रिंक है इनके पास, मैंने इनसे पूछा तो अभी ठंडियाँ हैं इसलिए हम ड्रिंक नहीं लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अपनी एनिवर्सरी का केक कट कर रहे हैं और यहाँ पर मेरा फेवरेट केक आ चुका है। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मेरा फेवरेट केक ऑर्डर किया है और वो है चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक मुझे बहुत पसंद है और मेरी छोटी बेटी को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, और हस्बैंड को तो इतना ज़्यादा नहीं पसंद, पर उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया है चॉकलेट केक क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर चल रही है थोड़ी सी मस्ती। मैंने यहाँ पर इनके गालों पर लगा दिया है क्रीम केक की, और मम्मी भी डर गई हैं, कह रही हैं मेरे गालों में मत लगाना। और रीनी खूब इंजॉय कर रही है, खूब खुश हो रही है कि मम्मी तो मस्ती कर रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं रिया को केक खिला रही हूँ और इस तरह छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया और मना लिया अपनी एनिवर्सरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए तो हम लोग का डिनर आ चुका है और बहुत सिंपल सा डिनर हमने मंगाया है क्योंकि मम्मी रात का डिनर बहुत सिंपल करती हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर।